प्रशासन की ओर से पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ऐसे पहुंच मार्ग जो हम चाहे पीडब्ल्यूडी से हो चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, हम गांव तक के सड़क तो बना देते हैं, लेकिन जो हमारे हाट बाजार है, स्कूल है, धान खरीदी केंद्र है, आश्रम है, हॉस्टल है, आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए धरसा, जहां हमारे किसान भाई अपने फसल के लिए खेतों में जाते हैं, फसल कटाई करके परिवहन करते हैं, ऐसी जगह में पहुंचहीन होने के कारण से बहुत परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क मार्ग की शुरुआत आज की है और इसके लिए कार्य भी चिन्हित कर लिए गए हैं। 1116 कार्य जिसे इस साल हमको करना है उन्हें चिन्हांकित कर लिए हैं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे छात्र छात्राओं को और ग्रामीण जनों को आने जाने में सुविधा हो, इसलिए यह कार्यक्रम लिया गया है। मैं समझता हूँ इसे बहुत सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी। बधाई और शुभकामना। ठीक है, ओके। अभी इसका नहीं बोलाऊँ, ठीक है। प्रणाम। ये पहले कर लीजिएगा, ये बाद में बोलना है आपको। तीनों तीन है। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित करते हुए आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन भी है, उनको जन्मदिन की बधाई यहां पर देते हुए सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन भूमि पूजन कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त दिखा रहा है। तो आपको यही जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। गहराता अंधेरा, बेचैन करती खामोशी, अनवरत बहते आंसुओं के बीच लगातार बढ़ती नाउम्मीदी, आपके होने से आती है उम्मीद की एक किरण, चेहरे पर मुस्कान और बेहतरी की आस, दीर्घायु एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जन्मदिन मुबारक राहुल जी, हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। तो नई दिल्ली में नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण भी आपको बता दे और है होना है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन भूमि पूजन कर रहे हैं। उससे पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए संदेश देने की कोशिश। Thank you.